नवी मुंबई में विद्यार्थी एवं अभिभावकों को जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि शहर में तकरीबन 14 स्कूल ऐसी हैं जो गैर कानूनी तौर पर शुरू है, जिन्हें सिर्फ शैक्षणिक संस्था के नाम पर अभिभावकों को आर्थिक रूप से फंसाया जा रहा है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता। शासक की अनुमति न होने के बावजूद भी संबंधित स्कूल अवैध रूप से चल रहे हैं, जिन पर प्रशासन का भी कोई नियंत्रण नहीं है, और यही वजह है कि शहर में अवैध स्कूलों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में संबंधित स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के भविष्य पर सवाल उठना स्वाभाविक है। शिक्षण विभाग ने अवैध स्कूलों की सूची जारी कर इस विषय को गंभीर बताया है। साथ ही अभिभावक अपने बच्चों को संबंधित स्कूलों में भर्ती न करे ऐसा ऐलान भी किया, किंतु आगे की कार्रवाई करने में प्रशासन असफल रही है। स्कूल शुरू होने से पहले जून की शुरुआत में अवैध स्कूलों में प्रवेश न ले ऐसा सूचित किया था, पर अवैध स्कूलों की कार्रवाई संदर्भ में अधिकारी ने कोई बात नहीं की, तो वही इस विषय के पूरे अधिकार मनपा आयुक्त को होने की बात उन्होंने स्पष्ट की। ऐसे में गैर कानूनी तौर पर चल रहे इन स्कूलों पर किसी भी समय कार्रवाई हो सकती है, इसमें दो राय नहीं, किंतु इन स्कूलों में शिक्षा प्रश्न करने वाले विद्यार्थियों का भविष्य में नुकसान हुआ तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये सवाल उपस्थित हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज भगत के साथ स्वप्नली देसाई की रिपोर्ट।